बेटा अपने साथ अपना कारवाने उर्दू, रफ कॉपीज और पेंसिल्स पकड़ लीजिए। इसमें बेटा मैंने आपको आजजी वाले लेसन की रीडिंग जो थी वो दी थी, उम्मीद करती हूँ आप सबने उसकी रीडिंग जरूर की होगी। आइए मिलकर दोबारा थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। आजजी। सुल्तान महमूद गजनवी एक मशहूर बादशाह था, अयाज उसका खास खादिम था। अयाज की नेक तबीयत और अच्छी आदतों की वजह से महमूद गजनवी अपने दूसरे दरबारियों की नस्बत उसे बहुत ज्यादा अजीज रखता था और उससे मशवरा लिए बगैर कोई काम ना करता था। बादशाह के इस सलूक को देखकर सारे दरबारी उससे बहुत जलते थे कि ये मामूली गुलाम बादशाह को इतना मुकर्रब क्यों है। यही वजह थी कि एक मर्तबा उन्होंने बादशाह से कहा, अयाज आपके हीरे जवाहरात को चुरा चुरा कर एक जगह छुपा रहा है और इस काम के लिए उसने एक कमरा मखसूस कर लिया है। उस कमरे के दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता है और कोई भी शख्स उसमें नहीं जा सकता। अयाज तने तनहा हर चंद रोज बाद उसमें जाता है और चुराए हुए कीमती जवाहरात वहां छुपाकर कमरे को ताला लगा देता है। दर हकीकत वो आपका खजाना खाली कर देना चाहता है। हाँ जी बेटा, इस पैराग्राफ में ये बताया कि सुल्तान महमूद गजनवी एक बहुत ही मशहूर बादशाह था और उसका एक खास गुलाम गुलाम नहीं सॉरी बेटे खादिम था और उसका नाम था अयाज। अयाज जो था वो उसकी अपनी बहुत ही अच्छी आदतों की वजह से वो बहुत ही कम दिनों में बादशाह के जो है महमूद गजनवी का बहुत ही मुकर्रब यानी खास बंदा बन गया था। इसकी खास और मुकर्रब होने की वजह से उसके तमाम दरबारी इससे हसद करते थे, जलन करते थे। और अयाज के पास एक मखसूस कमरा था। दरबारी जो है वो अपने बादशाह को कहते हैं कि अयाज जो है उस कमरे को हमेशा ताला लग रखता है और आपके कीमती जवाहरात को चुरा चुरा कर वहां पर रखता है और वो हकीकत में आपका जो खजाना है उसको खाली कर देना चाहता है। बादशाह को अपने दरबारियों की इस बात पर यकीन ना आया, लेकिन फिर भी उनको मुतमईन करने के लिए उसने हुक्म दिया, सब के सब जाएं उस कमरे का दरवाजा तोड़कर जो कुछ भी उसमें हो वो ले आए। दरबारी जब उस कमरे में पहुंचे तो वहां उन्हें सिवाय एक चरवाहे के फटे पुराने लिबास और एक ऐसे जूते जो झाड़ियां काटने वाले पहनते हैं और कुछ ना मिला। फिर जमीन खोदने के लिए मजदूर बुलवाए गए। उन्होंने कमरे की सारी जमीन खोद डाली लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ ना हासिल हुआ। उन्होंने सारा माजरा बादशाह को बताया। बादशाह ने अयाज को बुलवाया, उससे पूछा, क्यों भाई तुमने ऐसा काम क्यों किया? एक कमरे को मखसूस करके उसमें ताला डाल रखा है, इसका क्या मकसद है? तुम्हारा ये तर्ज अमल दूसरों को भी अपने आप से बदगुमान करने के अलावा और कुछ मालूम नहीं हुआ। बादशाह ने जब उससे पूछा कि वहां पर सिर्फ झाड़ियां काटने वाला के जूते और लिबास पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? अयाज ने जवाब दिया, मैं आपको असल हकीकत बता देता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं पहले एक चरवाहा था, झाड़ियां और घास फूस काटना भी मेरा काम हुआ करता था और अब जब मैं बादशाह का वजीर बन गया हूँ, मैं उस जमाने का लिबास और जूता कमरे में महफूज कर रखा है। जब मैं अपना ये लिबास और जूता देखता हूँ तो अपने आप से कहता हूँ, ए अयाज तुम वही चरवाहे हो और ये तुम्हारा लिबास है और आज तुम ये दरबारी लिबास पहनकर अपनी पहली हैसियत को भूल ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाओ। सुल्तान महमूद गजनवी अयाज की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसके नजदीक अयाज की कदर मंजिलत और भी बढ़ गई। ये बात सुनकर तमाम दरबारी बहुत शर्मिंदा हुए और बगले झांकने लगे। इसमें बेटा बताया गया है कि तमाम दरबारी उससे बहुत ज्यादा हसद करते थे अयाज से और जब इसका उस कमरे का जायजा लिया गया, हत्ता कि जमीन तक भी खोदी गई, तो वहां पता लगा जी यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय झाड़ियां काटने वाले के लिबास और जूते के। और जब वो अयाज से पूछा गया तो बादशाह को यही बताया गया अयाज ने कि मैं अपनी औकात अपनी हैसियत भूलना नहीं चाहता था, इसलिए जब भी मुझे जरूरत होती मैं उस कमरे में जाकर अपना ये लिबास और जूते देखता था। इससे क्या हुआ, अयाज की कदर मंजिलत बादशाह के लिए और ज्यादा बढ़ गई। अब बेटा जी अगला पेज निकालिए, पेज नंबर 50। आपने कॉपीज में बेटा सबसे पहले ये नए अल्फाज मुहावरात के मायने लिखने हैं। मुकर्रब का मायने होता है बेटा करीब रहने वाला, तने तनहा,
अकेला, माजरा, हाल या वाकया या हकीकत या कोई हादसा, बदगुमान, बुरा ख्याल, तकब्बुर, गुरूर, कदरो मंजिलत, इज्जत और मर्तबा, बगले झांकना, शर्मिंदा होना, आजजी, इंकसार या झुकाव। इसके बाद बेटे अपने इसी पेज पे देखिए सरगर्मियां, सवाल जवाब। अब आपकी स्क्रीन पर भी बेटा मैं ये शेयर कर रही हूँ, ये भी आएंगे और मैं साथ साथ आपको डिक्टेट भी करवाती हूँ। इन केस बेटा अगर आपका कुछ रह जाए तो बेटा ये आपका लेक्चर रिकॉर्डेड होता है, यूट्यूब पे भी होता है बेटा, आप वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। सवाल नंबर एक बेटा ये देखिए, महमूद गजनवी अयाज को क्यों पसंद करता था? बेटे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने अपनी कॉपीज इसी तरह ही रेडी करनी है। इससे पहले आपने इल्फाज़माई नहीं लिखने हैं, उसके बाद ये सवाल जवाब बेटे लिखने हैं। पहला सवाल, महमूद गजनवी अयाज को क्यों पसंद करता था? इसका जवाब लिखिए। महमूद गजनवी अयाज को उसकी नेक तबीयत, और अच्छी आदतों की वजह से पसंद करता था। खत्मा। मैं रिपीट कर रही हूं, महमूद गजनवी अयाज को उसकी नेक तबीयत और अच्छी आदतों की वजह से पसंद करता था। खत्मा। अब जी बेटे अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर दो, बादशाह के दरबारी अयाज से क्यों हसद करते थे? इसका जवाब लिखिए। बादशाह के दरबारी अयाज से इसलिए हसद करते थे कि एक मामूली गुलाम होने के बावजूद वह बादशाह का खास मुकर्रब है। मुकर्रब यानी बादशाह का करीब रहता है, उसको बादशाह से पसंद करता है। मैं रिपीट कर रही हूं इसका जवाब, बादशाह के दरबारी अयाज से इसलिए हसद करते थे के एक मामूली गुलाम होने के बावजूद वो बादशाह का खास मुकर्रब है। फातिमा। सवाल नंबर तीन बेटा देखिए, दरबारियों ने महमूद गजनवी को अयाज से बदगुमान करने के लिए क्या कहा? का जवाब बेटे लिखिए, दरबारियों ने महमूद गजनवी से कहा, कॉमा, आगे बेटा इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, अयाज आपके हीरे जवाहरात को चुरा चुरा कर एक जगह छुपा रहा है और इस काम के लिए उसने एक कमरा मखसूस कर लिया है। फातिमा। उस कमरे के दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता है और कोई भी शख्स उसमें नहीं जा सकता।
फातिमा, दर हकीकत वो आपका खजाना खाली कर देना चाहता है। फातिमा, बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ इसका आंसर। दरबारियों ने महमूद गजनवी से कहा, इन्वर्टेड कॉमास लगाइए, अय्याज आपके हीरे जवाहरात को चुरा चुरा कर एक जगह छुपा रहा है और इस काम के लिए उसने एक कमरा मखसूस कर लिया है। फातिमा, इस कमरे के दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता है और कोई भी शख्स उसमें नहीं जा सकता। फातिमा, दर हकीकत वो आपका खजाना खाली कर देना चाहता है। फातिमा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। सवाल नंबर तीन, सवाल नंबर चार, ताले वाले कमरे से सवाल नंबर चार, ताले वाले कमरे से क्या चीजें बरामद हुई? इसका बेटा जवाब लिखिए। ताले वाले कमरे से एक चरवाहे के
फटे पुराने लिबास और ऐसे जूते जो झाड़ियां काटने वाले पहनते हैं के अलावा और कुछ ना मिला। मैं रिपीट कर रही हूँ। ताले वाले कमरे से एक चरवाहे के फटे पुराने लिबास और ऐसे जूते जो झाड़ियां काटने वाले पहनते हैं के अलावा और कुछ ना मिला। सवाल नंबर 5, अय्याज ने बादशाह को क्या राज बताया? इसका बेटे जवाब लिखिए। अय्याज ने बादशाह को यह राज बताया कि मैं वजीर होने के बावजूद जब अपना चरवाहे वाला लिबास देखता हूँ तो अपनी पुरानी हैसियत को याद रखता हूँ ताकि गरूर और तकबर से बचा रहूं। मैं रिपीट कर रही हूं इसका आंसर। अयास ने बादशाह को ये राज बताया कि मैं वजीर होने के बावजूद जब अपना चरवाहे वाला लिबास देखता हूँ तो अपनी पुरानी हैसियत को याद रखता हूँ ताकि गरूर और तकबर से बचा रहूं। इसके बाद बेटे आप बुक पे देखिए, पेज नंबर 51। इसमें होगा जी जुमले। आपको स्क्रीन पे जुमले नहीं है लेकिन आपने बुक में जो जुमले हैं वो जरूर बनाने हैं। 5 जुमले हैं, मुकर्रब, मुतमई, मखसूस, तकबर, यकीन। इसके बाद बेटे अगला सवाल है, कहानी का मरकजी ख्याल 3 से 4 सतूर में तहरीर कीजिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने मरकजी ख्याल की बेटे पहले हेडिंग देनी है। इसके बाद बेटा अपना मरकजी ख्याल लिखिए। इस सबक का मरकजी ख्याल ये है कि इंसान को कभी भी हकीकत से मुंह नहीं फेरना चाहिए और जो भी काम इंसान करता है और जो भी काम इंसान करता हो उस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। खत्मा। मैं रिपीट कर रही हूँ। इस सबक का मरकजी ख्याल ये है कि इंसान को कभी भी हकीकत से मुंह नहीं फेरना चाहिए और जो भी काम इंसान करता हो उस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इसके बेटा बाद में अगला सवाल है, कहानी का खुलासा लिखिए। इस पे बेटा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कहानी का नाम।
इसके आगे आपने कहानी का नाम लिखना है। क्या है जी हमारी कहानी का नाम? आजजी। उसके बाद अगली हेडिंग मुसन्निफ का नाम। बेटे यहाँ पर आपने सिर्फ लाइन लगा देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें कारवानी उर्दू में मुसन्निफ का नाम नहीं दिया गया। इसके बाद एक लाइन लीक करनी है आपने। खुलासा की हेडिंग दीजिए। जी मैं खुलासा शुरू करने लगी हूँ। ये कहानी एक मशहूर बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में है। फतमा उनका एक खास खादिम था। जिसका नाम अयास था। फतमा बादशाह अयास को दूसरे दरबारियों की निस्बत बहुत अजीज रखता था। फतमा बादशाह के इस सलूक की वजह से तमाम दरबारी अयास से जलते थे। फतमा दरबारियों ने अयास के खिलाफ बादशाह को वरगलाया कि वो आपके हीरे जवाहरात को एक मखसूस कमरे में छुपा रहा है। यहां तक बेटे मैं रिपीट कर रही हूँ, देख लीजिए। ये कहानी एक मशहूर बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में है। उनका एक खास खादिम था जिसका नाम अयास था। फतमा बादशाह अयास को दूसरे दरबारियों की निस्बत बहुत अजीज रखता था। फतमा बादशाह के इस सलूक की वजह से तमाम दरबारी अयास से जलते थे। फतमा दरबारियों ने अयास के खिलाफ बादशाह को वरगलाया कि वो आपके हीरे जवाहरात को एक मखसूस कमरे में छुपा रहा है। फतमा वो आपका खजाना खाली कर देना चाहता है। फतमा इसके बाद बेटे आप लोग नीचे नया पैराग्राफ शुरू करेंगे। दरबारियों की तसल्ली की खातिर बादशाह ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। फातिमा दरबारियों को कमरे से एक चरवाहे के फटे पुराने लिबास और झाड़ियां काटने वाले जूतों के अलावा कुछ ना मिला। फातिमा बादशाह के पूछने पर
अयाज ने बताया कि मैं माजी में एक चरवाहा था। खत्मा, अब बादशाह का वजीर बन गया हूं। खत्मा, मैंने अपना ये लिबास और जूते इसलिए महफूज कर रखे हैं ताकि अपनी पहली हैसियत को भूल ना जाऊं और गरूर तकबर का शिकार ना हो जाऊं। खत्मा, सुल्तान महमूद गजनवी अयाज की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, जबकि तमाम दरबारी शर्मिंदा हो गए। मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा इस वाले पैराग्राफ को। दरबारियों की तसल्ली की खातिर बादशाह ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। फतमा, दरबारियों को कमरे से एक चरवाहे के फटे पुराने लिबास और झाड़ियां काटने वाले जूतों के अलावा कुछ ना मिला। फतमा, बादशाह के पूछने पर अयाज ने बताया कि मैं माजी में एक चरवाहा था। फतमा, अब बादशाह का वजीर बन गया हूँ। फतमा, मैंने अपना ये लिबास और जूते इसलिए महफूज कर रखे हैं ताकि अपनी पहली हैसियत को भूल ना जाऊं और गरूर तकब्बुर का शिकार ना हो जाऊं। खत्मा, सुल्तान महमूद गजनवी अयाज की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, जबकि तमाम दरबारी शर्मिंदा हो गए। इसके बाद बेटा अपनी बुक्स पे देखिए, नए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर कीजिए। आपको स्क्रीन पे बेटा नजर आ रहा होगा, अलिफ में है अल्लाह ताला को तकब्बुर, पहली ब्लैंक में आएगा तकब्बुर के बजाय आजजी पसंद है। बे में देखिए, अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदे उसके मुकर्रब होते हैं। जीम में देखिए, मेहनत इंसान की कदर व मंजिलत में इजाफा करती है। दाल में देखिए, मिलजुल कर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। जो काम इंसान तने तनहा नहीं कर सकता, मिलजुल कर मिनटों में हो जाता है। हे में देखिए, हमें असल माजरा जाने बगैर किसी की तरफ से बदगुमान नहीं होना चाहिए। वाव में देखिए, झूठे इंसान से जब कोई बात नहीं बन पाती तो वो बगले झांकने लगता है। इसके बाद बेटे सफा नंबर 52 यानी 52 पे देखिए, इमला की गलतियां दुरुस्त कीजिए। आपको यहाँ पर बुक आप देखेंगे, आपको सवाल है, उर्दू जुबान में आमतौर पर इमला की गलतियां हम आवाज हरूफ में होती हैं, जैसे अलिफ और आइन। इनका बेटे बोलने में हमें लगता है जैसे एक ही तलफ्फुज है, लेकिन लिखने में अलिफ और आइन के अल्फाज अलग अलग होते हैं। इसी तरह ते और तोए मिलते जुलते हैं। हे गोल हे है, एक फिर दूसरा हे है हलवे वाला जिसको हम कहते हैं, एक दो चश्मिया हे। इसी तरह बेटे बुक्स पे आप देखेंगे और भी अल्फाज दिए गए हैं। अब जी आगे आप इसकी मश्क देखिए, मैंने जो इसके गलत अल्फाज हैं वो लिखे हुए हैं, आप बुक्स पे बेटा उनको अंडरलाइन कर लीजिए, और जो दुरुस्त अल्फाज हैं वो भी मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप वहां से देखकर दुरुस्त कर सकते हैं। पहला है, ये इमारत कितनी बुलंद है, इमारत को अंडरलाइन कीजिए और स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा इमारत किस तरह लिखना है।
दूसरा लिखा है इस शेर का मतलब आसान है, इसमें मतलब जो है वो गलत लिखा गया है, उसको दुरुस्त लिखिए। इसके नीचे आइए, साबुन से मुंह धो लो, इसमें साबुन और मुंह को गलत लिखा गया है, इसको ठीक कर लीजिए। अब तौलिए से हाथ साफ करो, तौलिया तौलिए, इसमें गलत लिखा गया, उसको ठीक कर लीजिए। अगला देखिए, हिरन बहुत तेज तेज दौड़ता है, इसमें हिरन बहुत तेज, ये तीनों बेटे ठीक कीजिए। उसके बाद अगला है, कामयाबी के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, इस लाइन में बेटा कामयाबी और मेहनत ये दुरुस्त कीजिए। अगला देखिए, इल्म के बगैर इंसान अधूरा है, इसमें बेटा देखिए इल्म और इंसान और अधूरा, इसको ठीक कीजिए। इससे अगली लाइन है, सूरज मशरिक से तलू होता है, इसमें बेटे सूरज गलत है, उसको ठीक कीजिए, मशरिक भी गलत है और तलू भी गलत है, इसको भी ठीक कीजिए। अगली लाइन है बेटा, हम समंदर पर जाएंगे, इसमें बेटे हम गलत लिखा हुआ है, समंदर ये ठीक कीजिए। उससे अगला है, तुम्हारा कलम बहुत खूबसूरत है, इसमें तुम्हारा कलम गलत लिखा हुआ है, उसको ठीक कीजिए। और सूरत, सूरत भी ठीक कीजिए, इसमें सीन से है, स्वाद से सूरत होता है। इसके अलावा बेटे नीचे अब आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पर, घर का काम आ रहा है, घर का बेटे आपका काम ये है, आपने बेटे कारवाने उर्दू का सफा नंबर 48-48 सबक आजजी जो हमने आज पढ़ा है, इसके मुश्किल अल्फाज के मायनी, सवाल जवाब और जुमले, और उसके अलावा कहानी का खुलासा, मरकजी ख्याल, तमाम काम बेटे आपने कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है। इसके अलावा बेटे आपने लीडर का अगला लेसन, लीडर आपका जो गुलिस्तान है, कहानी रहमदिली का सिला की पढ़ाई करनी है और मुश्किल अल्फाज अल्फाज की इमला की मश्क जरूर करनी है। इसके अलावा बेटे आप लोगों ने बी का काम जो है ग्रामर का, कायदे आजम पर मजमून लिखना है और एक कहानी भी आपने लिखनी है। कहानी बेटे आपको ये इशारात दिए गए हैं, इनकी मदद से आपने कहानी मुकम्मल करनी है। एक दिन अम्मी की गैर मौजूदगी में मैंने अपना पसंदीदा खाना बनाने की कोशिश की, और इसमें कहानी में बेटा आप लिख सकते हैं और क्या खाना बनाने में आपको क्या मुश्किल पेश आई, या आपको पहले से ही आता था, या आपने चाहे बाय इंटरनेट कोई आपने रेसिपी ली है, या आपके पास कोई कुकिंग की बेटे बुक थी उससे आपने मदद ली, या किसी फ्रेंड से या दादों से नानों से किसी से मशवरा, खाला फूफो से किसी से भी मशवरा लेके वो रेसिपी आपने या टीवी पे देखी हो, तो कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं और एक मज़ेदार सी प्यारी सी कहानी लिख लीजिए। इसका आपका बेटा आपका तमाम काम आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा होमवर्क आपको, और उसके अलावा बेटे आपके YouTube पे भी ये क्लास है, किसी का कुछ भी मिसिंग हो तो वहां से बेटे दोबारा आप निकाल कर मुकम्मल कर सकते हैं। अब बेटे आप लोग कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं, रेज हैंड बेटे। किसी ने कोई भी सवाल पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछिए, रेज योर हैंड। यस बेटा आइटल, बेटा आई एम वेटिंग, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। यस ज़ैनब, पीछे वो फिर वो बादशाह का जो वजीर था उसने झूठ बोला था, जिसके उसने खजाना छुपाया। हाँ जी बेटे, वो झूठ बोला और दरबारियों ने, हाँ जी दरबारियों ने झूठ बोला था, वो उससे हसद करते थे ना,
कि इतना ये गरीब सा आदमी बादशाह को इतना ज्यादा पसंद क्यों है, वो उससे जेलस थे। इसलिए दरबारियों को लगता था कि वो रोजाना उस कमरे में जाता है, उस कमरे में जाकर पता नहीं ये कोई हीरे जवाहरात बादशाह के ले लेके खजाने से वहां रख रहा है। और उन्होंने बादशाह के कान भरे, बादशाह ने उन सबकी तसल्ली की खातिर उस कमरे को कहा कि इसका ताला खोलो और देखो। और फिर जब भी वहां से कुछ भी ना मिला तो फिर उनकी तसल्ली के लिए उसने कहा यहाँ से जमीन भी खोद कर देखो, शायद जमीन के नीचे इसने कुछ छुपा कर रखा हो। जब कुछ भी नहीं मिला था तो वो तमाम दरबारी जो है वो शर्मिंदा हो गए थे। एनी मोर क्वेश्चन बेटा? ये जो हमने अपनी मनपसंद डिश बनानी है उसमें उसमें लिखना तो मनपसंद डिश नहीं, आप कुछ भी उसमें तैयारी करना चाहते हैं ना उसको कहानी की सूरत में लिखें कि आपने वो एक डिश बनाई थी, वो सबको किस तरह बनाई आपने, सबको किस तरह पसंद आई, आप भी इस तरह लिख सकते हैं। नूडल्स का लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। नूडल्स का लिख सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। एनी मोर क्वेश्चन टीचर? ओके बेटा। No. Anyone else? Emily.